हमारे साथ मौजूद हैं खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी के प्रत्याशी पवन खरखोदा जी, आइए इनसे जानते हैं। सर, किस तरह का समर्थन और प्यार मिल रहा है? देखो, जब पब्लिक रोड पे उतरती है तो एक जन भारी जन समर्थन उभर जाता है। और आज का चुनाव, ये पवन खरखोदा का चुनाव नहीं है, पूरे हल्के खरखोदा का चुनाव है और 36 बिरादरी के लोग इस चुनाव को मिलकर लड़ रहे हैं। सर, आप पहले भाजपा में थे, फिर जेजेपी में आए, एकदम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब, मैं एक ही बात से देता हूँ कि आप कोई मकान बनाते हैं, उस मकान में कोई और आके रहने लग जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? तो हमारे हल्के की जनता के भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम इन पार्टियों ने किया है और उसको सबक सिखाने का काम आगामी अब 21 तारीख को लोग यहां से भारी बहुमत से जननायक जनता पार्टी को जिताकर माननीय हमारे पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला जी को CM बनाने में यहाँ से एक मजबूत नींव का पत्थर रखेंगे। किन मुद्दों को लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखो, मुद्दे ही मुद्दे हैं, ना कोई प्रशासन नाम की चीज़ है, ना कोई पुलिस नाम की कोई चीज़ है, ना कोई किसी तरीके का कोई अपराध रुक रहा है। आज के दिन अगर हरियाणा नंबर वन है तो एक अपराध के मामले में नंबर वन है। और ये भाजपा वाले जैसे गाय गंगा के नाम पे सत्ता में आए थे, आज आप लोग देख सकते हैं कि रोडों पे हजारों की संख्या में गाय माता कैसे घूम रही है। तो ये मुद्दे ही मुद्दे हैं, गलियों की सभी चीज़ों की, एजुकेशन का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो काफ़ी मुद्दे हैं। और सर, भाजपा का जो नारा 75 पार का, क्या लगता है? ऐसा है जी, 75 पार तो कुछ नहीं है, लेकिन खरखोदा से तो लगभग भारतीय जनता पार्टी रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। तो 75 पार का तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जमुना पार जरूर जाने वाले हैं। और जो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी खरखोदा हल्के में चला हुआ, क्या मानते हैं? देखिए, वो तो हमेशा रहेगा जी, और वो होता भी है, क्योंकि जन भावनाओं के अनुरूप अगर हम कार्य नहीं करेंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, तो पब्लिक उसको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। और यहाँ की पब्लिक ने मन बना चुका है कि अब की बार केवल खरखोदा हल्के की सरकार बनेगी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप भी युवा हैं, दुष्यंत चौटाला भी युवा है, तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे विशेष? देखिए, हमारा अगर हम लोकसभा क्षेत्र सोनीपत की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई विधानसभा क्षेत्र शिक्षित मानी जाती है तो वो खरखोदा विधानसभा शिक्षित मानी जाती है। और यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं, और मैं तो युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि भाई सभी एकजुट हो जाओ, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लोगों को पहले भी मिल चुका है, और युवाओं की शक्ति, अपनी अपनी शक्ति को पहचाने और अपने हल्के की लड़ाई खुद लड़ें। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, जब 36 बिरादरी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अपना चुनाव लड़ते हैं, और खुद एक एक व्यक्ति अपने आप को पवन खरखोदा मान के चुनाव लड़ रहा है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सबसे, अगर हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से और सबसे पहले अगर कोई विजय श्री कोई सीट घोषित होगी तो वो हल्का खरखोदा की होगी। तो सर, खरखोदा में जो जीत होगी पवन खरखोदा की होगी या खरखोदा हल्के की होगी? ऐसा है जी, आज तक तो ऐसा होता आया है कि जो भी विधायक बनता है केवल वो 5 घरों का या 5 आदमियों का विधायक बनता है, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूरा हल्का खरखोदा एक एक व्यक्ति जो इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाल रहा है वो व्यक्ति MLA बनने जा रहा है। क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे सर? संदेश यही है कि भाई एकजुट हो और अपनी ताकत को दिखाओ, ताकि इन पार्टी वालों को ये पता चल सके कि बाहर के व्यक्तियों को टिकट देने का अंजाम क्या होता है। ये थे हमारे साथ खरखोदा विधानसभा क्षेत्र से JJP के प्रत्याशी पवन खरखोदा। इन्होंने बताया कि इस बार जो है युवाओं की सरकार होगी, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और खरखोदा हल्के में भी जो बाहरी का नारा अब तक चला हुआ था, बाहरी लोग यहां से बनते आए थे, इस बार स्थानीय का मुद्दा रहेगा और स्थानीय नेता को चुनने का काम खरखोदा की जनता करेगी। हरियाणा उत्सव के लिए मेरे सहयोगी रवि नारंग के साथ अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।